पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक तथा जातीय भावनाओं में टेढ़ निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके वीडियो क्लिप्स या फिर स्टेटस या किसी तरह के आपत्तिजनक मैसेजेस को तैयार करके उसका प्रचार या प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की कोई भी कोशिश जहाँ भी की जाएगी उनके ऊपर सख्त कायदे से कार्रवाई की जाएगी। हम ये देख रहे हैं कि कुछ इन इन तरह के जो मैसेजेस हैं खास करके नौजवान युवक फॉरवर्ड करने में लगे हुए हैं। इनकी उम्र 19-20 साल से लेके तो 25 से 30 साल की है। मैं उनके पेरेंट्स को खास करके ये विनती करना चाहूँगा कि आपके बच्चे जो हैं वो किस तरह के मैसेजेस, किस तरह के स्टेटस, किस तरह के एसएमएसेस फॉरवर्ड कर रहे हैं इसके ऊपर आप ध्यान रखें, क्योंकि एक बार इस तरह का अगर कार्यवाही उनके हाथों से हुई तो उनके ऊपर कायदे से कार्रवाई तो ज़रूर होगी और फिर उनके ऊपर ऑफेंसेस जो दर्ज होंगे उससे उनका करियर भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए मैं सबको ये आह्वान करना चाहूँगा कि इस तरह के प्रलोभनों से दूर रहें और अपना तथा अपने परिवार के बारे में सोचें। इस तरह के जब कार्रवाई होती है तो हमारी यंत्रणा जो है जिसमें साइबर सेल हमारा साइबर सेल होता है और हमारे जो साइबर सेल टूल्स होते हैं उसके माध्यम से हम इन मैसेजेस के जो ओरिजिन हैं उनको ढूंढ के निकालते हैं और उनके ऊपर ऑफेंसेस रजिस्टर करते हैं। मैं आप सबको ये आह्वान करना चाहूँगा फिर से कि इस तरह के किसी भी कार्यवाही में अपना हाथ मत डालिए और अपने परिवार तथा समाज के बारे में सोचिए। इस तरह के कार्रवाई के बाद आपके ऊपर भारतीय न्याय संहिता के कलम 196 और 299 के तहत आपके ऊपर गुनाह दाखिल होगा और उसके साथ आपके ऊपर 3 साल की कैद तथा दंड की भी शिक्षा हो सकती है। धन्यवाद। छत्रपति संभाजीनगर शहर में पिछले कई कई दिनों से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो यंग जनरेशन के लड़के हैं, बच्चे हैं, वो कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस रख रहे हैं या ग्रुप में कुछ चीज़ें ऐसे पोस्ट कर रहे हैं कि दो धार्मिक गटों में उसमें तनाव निर्माण हो जाए और किसी के बारे में बुरा लिखना और पोस्ट करना और बिना सोचे समझे उसे फॉरवर्ड करना, ये बातें चल रही है। तो हम लोगों ने उसमें से कुछ जगह पे एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ था, हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर किया था, कुछ लोगों को हमने अरेस्ट भी किया है उस मामले में, उनके ऊपर हमने कड़ी सी कड़ी प्रिवेंटिव एक्शन भी ली हुई है और आने वाले दिनों में हमारा सब सोशल मीडिया पे हम लोग बिल्कुल कड़ी नज़र रखे हुए हैं और जो भी इस प्रकार की पोस्ट डालेगा, नहीं तो बिना समझे और सोचे अगर वो फॉरवर्ड करेगा तो हम बिल्कुल उसके ऊपर कड़ी सी कड़े नए एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे और हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसके ऊपर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन भी लें। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप बिना सोचे समझे कि अपने शहर के लिए, अपनी शांतता बनाए रखने के लिए आप कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे आप फॉरवर्ड मत कीजिए या कोई भी ऐसी चीज़ डालिए मत जिससे अपना शहर का वातावरण ख़राब होगा। धन्यवाद।